केडीएस कंपनी द्वारा इंदिरा सागर परियोजना में बनाई गई नहरों की गुणवत्ता विहीन होने से जिले से शिकायतें सामने आने लगी है। वहीं जिले के मोहीपुरा में कई जगहों से नहर फूटी, जिसकी शिकायत लेकर भाजपा नहर अध्यक्ष पहुंचे एनबीडीए कार्यालय। वहीं बोमिया रोड पर नहर का पानी किसान के खेत में घुसने से भिंडी के बीज नष्ट हुए। दरअसल केडीएस कंपनी द्वारा जिले में बनाई गई इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत नहरों की गुणवत्ता अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार जांची जाने पर भी घटिया क्वालिटी पाई गई है। वहीं अब मुख्य नहरों से छोटी नहरें भी जिले में कई जगह टूट फूट रही है। जिले के मोहीपुरा से भाजपा नहर अध्यक्ष ने भी एनबीडीए 11 नंबर पहुँच नहर की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं बड़वानी बोमिया रोड पर स्थित खेत में नहर के सही न बनने से खेत में नहर ओवरफ्लो होने से भिंडी की फसल खराब हो गई। मौके पर आए पटवारी द्वारा नुकसानी का आकलन किया गया। एनबीडीए 11 नंबर के प्रभारी कार्यपालन यंत्री टीएस पचोरे द्वारा केडीएस कंपनी पर एक वर्ष तक मेंटेनेंस के बॉन्ड का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। बड़वानी पटवारी दिलीप पटेल, ये एक किसान के खेत में जो भी पानी घुस गया है नहर का, क्या कहेंगे? किसान द्वारा फोन पे सूचना दी गई थी कि मेरे खेत में नहर फूट गई है और मेरी फसल की नुकसानी हो गई। उसी के संबंध में मैं मौका देखने आया था। मौका पंचनामा बनाया गया, किसान के खेत में नहर फूटी नहीं है, नहर ओवर फ्लो होकर पानी खेत में घुसा हुआ है। क्या नाम है किसान का? मंगू भाई लाला। महेश मुकाती। महेश जी, कहाँ पर है आपका खेत? हमारा खेत बोमिया रोड पर है, जहाँ पर आज सुबह से जैसे बारिश होने लगी, बारिश होने से तुरंत बाद हम लोग आकर हम लोग जैसे खेत में मुआयना करने के लिए आए तो देखा कि खेत में पानी बह के जा रहा था। और पानी बहने का ये कारण है कि जो नहर की जो प्रॉपर लेवलिंग नहीं की गई इंजीनियर के द्वारा, जब निर्माण कार्य किया जा रहा था उसी समय एनवीटी के ऑफिसर आला अधिकारियों को बताया गया कि कृपया करके इसका लेवल प्रॉपर लीजिए, अन्यथा हमारा खेत में पानी बह कर हमारा खेत जो जब भी बारिश होगी या ओवरफ्लो हो जाने के कारण खेत की मिट्टी वगैरह बह के चले जाएगी या नुकसान हो सकता, उसी दौरान बताया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज, और आज जैसे प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही बारिश हुई और आगे पानी नहीं जाने से गलत लेवलिंग होने से गलत मैपिंग, ठीक है, उसका जो नक्शा है वो भी गलत किया गया है, उसके हो जाने से पूरी खेत की मिट्टी बह के हमारी निकल गई है। क्या बोया था? हमने कल ही भिंडी लगाई थी जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपये है। भिंडी की तैयारी चल रही थी, फसल खराब हो गई आपकी फसल, जिससे फसल के साथ साथ 20 ट्रैक्टर ट्रलारी गोबर डला हुआ था वो भी बह के और खेत की पूरी मिट्टी भी बह गई, जिससे आने वाले समय के लिए जो यदि हम लोग उचित फसल लगाने की कोशिश भी करते हैं तो किसी तरह के हम लोग फसल बोने के लिए बस फसल बोने से भी हम लोग वंचित हो जाएंगे। उमर, हाँ, कारण मैं नहर अध्यक्ष हूँ और हम नहर के संबंध में आए थे। पूरी तरह से नहर जर्जर हो चुकी है और उसमें कांटे वगैरह ये वो पूरा रोड पे पूरा जाम हो चुका है, पूरी नहर मतलब पानी चलने जैसी स्थिति में है। हम कई बार इस साहब को भी बोल चुके हैं, ठेकेदार को भी बोल चुके हैं, फिर भी कोई भी मतलब कि समस्या को कोई हल नहीं कर रहा है। गुणवत्ताहीन बनी है, लगभग कितने किसान प्रभावित हैं इसमें? लगभग हमारे एरिया के, हमारे इधर जो नहर बनी है कम से कम 1500-2000 किसान प्रभावित। कुछ काम में नहीं आ रही है? कुछ काम में नहीं आ रही है, घटिया स्तर की बनी हुई है और पूरी फूट टूट उसमें पानी चलने जैसी काबिलियत में नहीं है। आगे शिकायत की है? कई बार शिकायत की गाँव वालों ने, कोई समस्या का फिर कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हिसाब नहीं है यहाँ, इन लोगों ने बोला कि ये हिसाब नहीं है, वो आज आए नहीं तो। और इसके पहले भी हम शिकायत कर चुके हैं, जो ठेकेदार है उसको भी शिकायत करी और उसके बाद में इस साहब को भी बताया कि जो जो समस्या जो पूरे रास्ते पे सब पूरी झाड़ी कांटों की हो गई है, मतलब मोटरसाइकिल निकलना भी मुश्किल हो रहा था, किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही और नहर में भी पानी चलने जैसी स्थिति नहीं है। सर, परिचय? TR पचोरे, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 बड़वानी। एक्चुअल में अभी जो है मैं पदस्थ हूँ एज ए कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मंडेश्वर। इसके मेरे जो है एडिशनल चार्ज के आदेश हुए हैं तो अभी जो है मैं यहाँ के 11 नंबर डिवीजन के एडिशनल चार्ज में हूँ। सर, जगह जगह नहरें जो बनी हैं अभी,
हाल ही में बनी है, फूट फूट हो रही है, गुणवत्ता ही है, लोग आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता मोहिपुरा से शिकायत करने के आए थे तोमर जी। नहरों का निर्माण जो है KDS कंपनी द्वारा जो है वो निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर ही निर्माण कार्य कराया गया है। इसमें प्रावधान है कि नहर का काम जब पूर्ण होगा उसके एक साल तक मेंटेनेंस करने का कार्य जो है निर्माण एजेंसी का रहता है। अगर कहीं ऐसी टूट फूट पाई गई है तो एजेंसी उसके लिए बाउंड है, एजेंसी उसको पूर्ण करके देगी। उसका जो है परीक्षण हम लोग करवा लेते हैं, अगर कहीं ऐसी कोई समस्या है तो एजेंसी के माध्यम से ये कार्य संपादित करवा दिया जाएगा। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।